हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। गाइस, मेरे पोस्ट को चेक कीजिए। एक हमारा मतलब हमारे दोस्त का ही चैनल है, न्यू चैनल है, TNT शो पॉडकास्ट। इट्स दे आर डूइंग वेरी वेल। और उस पर हमारा एक पॉडकास्ट आने वाला है बहुत जल्द, इन द कमिंग वीक। आई हैव बिन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट, दे वर काइंड इनफ। एंड उसमें स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स हमने कवर किए हैं। इट्स अ वेरी बिग पॉडकास्ट एंड दे माइट इट माइट कम आउट इन 2 एपिसोड्स। तो उसकी उस चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के कॉमेंट्स में, पिंड कॉमेंट में डाली है। आप लोग एक बार वो चैनल ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, TNT शो पॉडकास्ट। दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज यूट्यूब। आई विल पुट आउट बोथ द लिंक्स इन द कॉमेंट्स। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टूरिज़्म सेक्टर पर मैं पर्सनली इतना बुलिश क्यों हूँ। उसका रीज़न आपको एक बार मुझे बताना था, बिकॉज़ जब से अयोध्या में जो भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, चाहे आप और मैं वहाँ जाएँ या ना जाएँ, द वर्ल्ड के लिए ऑल दीज थिंग्स फॉर द वर्ल्ड आर अ मार्केटिंग प्रोग्राम। बिकॉज़ जैसे हमारे देश के सबसे अमीर और एशिया के रिचेस्ट मिस्टर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, वो शादी एक स्पेक्टिकल है, या वो मंदिर जो खुला वो एक स्पेक्टिकल है। अभी 2025 में महाकुंभ होने वाला है उत्तर प्रदेश में। I've heard in my research that UP का जो अब जाके उनके टूरिस्ट डिपार्टमेंट एक तरह से एक्टिवेट हुए हैं कि यहाँ पे हमें टूरिज़्म के बहुत सारे जो फंड्स मिलते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। बट यूज़ मतलब क्या, वो क्या करेंगे, वो जो दुनिया भर के टूरिज़्म फेस्ट होते हैं और वगैरह वगैरह टूरिज़्म के कॉन्क्लेव्स होते हैं, उसमें इंडिया को एज अ शोकेस दिखाया जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब तक इंडिया में टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, बट गाइज सम मतलब ऐसे बोलना गलत होगा, लेकिन इवन अ प्लेस लाइक UAE, जिनके पास रेत में से उन्होंने पूरा शहर खड़ा किया, उनके पास देखो क्या टूरिस्ट नंबर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं। दे न्यू दैट ऑयल विल रन आउट, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी टूरिज्म पे कर दी। हमारे पास, हम तो इंडिया हैं, हमारे पास तो बहुत चीज़ें हैं। दे आर माउंटेंस, दे आर रिवर्स, दे आर ब्यूटिफुल, मतलब केव्स बोलो, पुराने ऐतिहासिक एस्थेटिक चीज़ें हैं। और इवेंट्स कितने हैं, फेस्टिवल्स कितने होते हैं हमारे देश में, तो उस लिहाज से वो फेस्टिवल्स जितने हैं। अब आज टाटा ने टूरिज़्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, व्हाई डिड दे लॉन्च, आप सोचिए ना उनकी सोच क्या है। उनको भी तो कैपिटलाइज करना है यही मार्केट पे। एवरीबडी वांट्स टू मेक अ चर्न आउट ऑफ दिस मार्केट। ये नया नहीं है, लेकिन इसमें स्टॉक पिकिंग करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। इट इज़ नॉट ईजी टू पिक स्टॉक्स इन दिस सेक्टर। मैं फिर कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument.